ये टांग तीन टुका हो गया है, डाँड है तो दोनों छटक गया है, इस बाह में 11 गोटा का लगा है, सिर पे 10 गोटा का लगा है और पूरा शरीर का खून गिर गया है, डॉक्टर बोला था। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, बरहरिया। मैं मोहम्मद फारूक, हम एक दुनिया की सबसे सर्वनाक घटना को दिखाने के लिए कैलगढ़ में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक पतो दो पतो अपने ससुर से जमीन लिखवाने के लिए उनकी निर्मम हत्या तक कर देती है। कई बार टांगी से मारकर उनके सर फाड़ दिए, पैर कई टुकड़ों में तोड़ दी है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, इस घटना के बारे में बताएंगे, उसके बाद से हम आपको उस वृद्ध को दिखाएंगे कि किस तरह से उनके पतो जमीन लिखवाने के लिए, संपत्ति हड़पने के लिए उनको मौत के घाट तक उतार देती है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग बताएंगे किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। मैं मृतक का भाई हरेराम प्रसाद बोल रहा हूँ। निर्मम हत्या उसको मार करके कर दी गई। जब डेथ हो गया तो हम थाना पे गए 11:30 बजे रात को सूचना करने के लिए। जब बड़ा बाबू से बोले कि सर मेरे भाई का मौत हो गया है, तो बड़ा बाबू बोले कि तुम क्यों आ जाता है थाना पर, जाओ उसको फूंक दो, घर ही क्यों लोग मारा है, तुम लोग फंसाने के चक्कर में पड़ गया है, जाओ उसको फूंक दो सर। उसके बाद हमको थाना से निकाल दिया गया। हम बोले कि सर अपना नंबर दीजिए, तो बोले कि नंबर बाहर लिखा हुआ है, जा करके नोट कर लो। उसके बाद हम घर आ गए। ये पूरा घटना हुई क्यों? पैसा मांग रहे थे इलाज करवाने के लिए। मारा कौन? पतो? पतो, बड़ी पतो और छोटी पतो। क्या नाम है उन लोगों का? उमरावती देवी, संगीता देवी। उनके हस्बैंड का क्या नाम है? बिहारी प्रसाद, मोलन प्रसाद। मृतक के लड़के यहाँ पे हैं, ये भी बताएंगे कि ये पूरा मामला कैसे हुआ। इनके इनकी जो वाइफ है ये मारने में नहीं रही है, लेकिन ये लोग भी इसी घर में रहते थे। ये पूरा बताएंगे कि क्या हो रहा था इतने दिनों से, कब से इस वृद्ध को मौत के घाट उतारने की प्रक्रिया चल रही थी। बोला 2-4 महीना से। 2-4 महीना से? और ये किसके साथ रहते थे? वही दोनों पत्तों के साथ? हमारे साथ। आपके साथ रहते थे, तो फिर उन लोग क्यों मार दिया इनको? वो लोग बोलता है तबीयत खराब है तो दवाई कराएगा, वो उससे कुदारी भाजते हो, हर भाजते हो। ये आपके साथ रहते थे तो काम करते थे, पैसा आप नहीं लगा रहे थे इलाज में? हम लगा रहे थे, वो भी खोज के लगा रहे थे। तो जब आपके पास रह रहे थे तो दूसरे लोग कैसे मारा? मारा हिस्सा बखरे के लिए। आपको लिख दिए थे सब? ना। और भी बहुत सारी महिला हैं, इनसे जाना जाएगा कि ये सब हो क्यों रहा था और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्यों हो रहा था ये सब? और वो कहा था कि आओ प्रसादी देवे के बाद, और प्रसादी देवे के बहने बुला के मार दिया। आप इनकी क्या लगती हैं? मामा का पतो है, और ये सब कोई तो रहले रहुए आइले रहुए वो दिन। और भी बहुत ये क्या हुआ था पूरा मामला कैसे इनकी मौत हुई है? खाना खा के जाते रहो, केहू ना रहो, लाइन कट कर टांगी दाब हो, सब कुछ चलावे ले रहे लोग, दोनों जाना मिल के उनका दोनों लड़की और वो लोग दोनों जाना। अभी वो इनकी दोनों पतो कहाँ है जो इनको मौत के घाट उतार? भाग गए मालो। केस हो गया है? हाँ। आप क्या लगती हैं? नाती। आप ही दिखा रहे थे, आइए इधर। क्या हुआ है, इनकी मौत कैसे हुई? ये घर से खाना खा कर लाइन कटा हुआ था, जा रहे थे खेत में सोने के लिए, तभी बड़ी पतो है इसकी जो हाथ पकड़ी और कही चलो प्रसादी देते हैं, और उसका बेटी है जो लबदा लाई टांगी लाई और मारने लगा। हम लोग थे दुकान की ओर आए तब तक इसको मार कर चीत कर दिया, हम लेकर अस्पताल गए पूरा। क्या क्या इनको हुआ है? ये टांग तीन टुका हो गया है, डाँड है तो दोनों छटक गया है, इस बाह में 11 गोटा का लगा है, सिर पे 10 गोटा का लगा है और पूरा शरीर का खून गिर गया है, डॉक्टर बोले था। किस लिए ये सब मारपीट हुआ? ये जा रहे थे खाना खाकर जमीन के थी में। इस तरह से इनको कितना यहाँ पे कितना टुकड़ा किया गया है? तीन टुकड़ा हुआ है यहाँ पे, तीन टुकड़ा, फिर इधर दो टुकड़ा दोनों हो गया है जान जी, फिर सर फोड़ दिया गया, सर पे 11 टका लगा है, हाथ तोड़ दिया गया, बाएं में 12 टका लगा है। तो आप सुन रहे हैं कि एक
तो आप सुन रहे हैं कि एक वृद्ध की कम से कम उसके हड्डियां 10 टुकड़े में तोड़ दी गई है। ये दुनिया का सबसे सर्वनाश घटना है और यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो थाना प्रभारी से मिलने के लिए गए और थाना प्रभारी के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण वह पतुआ भी भागने में सफल नहीं। ये लोग बताएंगे, आप ये बताइए कि लगभग एक दिन बीत गया उसके बाद भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, आखिर क्यों? थाना प्रभारी यहाँ पर आएगा, लिख कर देगा, वो इसका जिम्मेदारी है, ले जाकर इस हॉस्पिटल चिराई घर में पैसन जाएगा, तब गांव के लोग यहाँ पर फूकेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं गांव के लोग, सभी लोग, थाना प्रभारी आओ, अपना लिख को दो, तब हम जाएगा फूकने के लिए, नहीं तो लास्ट दुआरी पर रहेगा उसका दरवाजा पर। थाना प्रभारी को सूचना दिया गया है? हाँ दिया गया है, हलाराम प्रसाद गया है 11 बजे रात खान में थाना प्रभारी के पास, थाना प्रभारी बोला का जाइए और लाश फूकिए। आखिर क्यों थाना प्रभारी ऐसा बोला है? आप लोग अब उसका मैटर वो जानेगा थाना प्रभारी, इसका मैटर हम लोग का मालूम नहीं है। जब मारपीट हुआ था, इनको मारा गया था, तो आप लोग आवेदन दिए थे थाना को? जी, यहाँ से गया के बाद 9:30 के घटना है, उस समय में लाइट भी कटा है, उसमें दो पटो इसका पीट पाट के घवाई कर दिया, यहाँ के लोग ले गया, इलाज कराया, बढ़िया हॉस्पिटल में गया, वहाँ से रेफर कर दिया सत्तर अस्पताल सिवान, वहाँ पर लिखा पड़ी हुआ है, यहाँ पर आदमी जानता तैयारी है, 300 लोग है, बोल है थाना प्रभारी यहाँ पर आओ, अपना लिख कर दो, तब लाश जाएगा फूकने के लिए, नहीं तो लाश केहू नहीं छुएगा। अगर थाना प्रभारी नहीं आएंगे अभी तो आप लोग क्या कीजिएगा? उसका दरवाजा पर लाश है, उसका घर में लाश है, दुआरी के सामने लाश वैसे ही के वैसे ही रहेगा। और नहीं तो एफसी साहब उसका जिला का डाली है, एफसी साहब के पास यहाँ के जानता के लोग तैयारी है, 500 लोग जाने के लिए। आपका नाम? हमारा नाम संतोष प्रसाद। थाना प्रभारी आ नहीं रहे, पोस्टमार्टम हो नहीं रहा है, तो अंतिम संस्कार कब होगा? अंतिम संस्कार थाना प्रभारी आएगा तभी होगा। हाँ नहीं होगा, उसका जिम्मेवारी आपको देखना, थाना प्रभारी को देखना पड़ेगा। नो पतो सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? पतो गिरफ्तारी बड़ा बाबू न करी है गिरफ्तारी, वहीं पतो तो थाना प्रभारी जिम्मेवारी बा। लोग यहाँ पे जीत पा रहे हैं कि जब तक ये थाना प्रभारी यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। हम लोग लाश को लेकर एसपी साहब के पास पहुंच जाएंगे लेकिन अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तो उनके पतोहों के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है निर्मम हत्या करके, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग तक नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आगे भी घटनाएं बढ़ती रहेंगी और बल मिलता रहेगा घटना को अंजाम देने वालों को। थाना प्रभारी को चाहिए कि यहाँ पे आकर मामला को संज्ञान ले और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सीवान से मैं मोहम्मद फारूक।